सोहना तावड़ू विधानसभा का चुनाव भी अब दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। सभी प्रत्याशी वोटरों के बीच में जाकर अपने पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रोहताश खटाना की गढ़ में बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर ने जनसभा की। तेजपाल तंवर ने कहा कि यह मेरा भी गाँव है और 50% वोट यहाँ से मुझे मिलेंगे। वहीं लोगों का समर्थन भी उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में रिठोस गांव में 30 करोड़ के विकास कार्य उन्होंने कराए हैं और बीजेपी की सरकार बनने पर जो सड़कों के हाल खस्ता हो गए हैं उनको फिर से ठीक करवाया जाएगा। तेजपाल तंवर की माने तो सोहना तावड़ू विधानसभा में माहौल बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है और यहां से बीजेपी की विजय होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 25 सितंबर के बाद से स्टार प्रचारक सोहना आएंगे और धुआंधार प्रचार में जुटेंगे। जन समर्थन मिला है वो कांग्रेस प्रत्याशी का काम नहीं है, मेरा भी काम है। मैं भी यहीं से गया हूँ, हमारे बुजुर्ग यहाँ रहते थे और काफी दिन रहे, 70-80 साल हम यहाँ रहे हैं। बाद में हमने गांव बचाया है लेकिन हम पहले यहीं रहते थे, मेरा गांव भी है। कोई इस कांग्रेस प्रत्याशी का काम नहीं है, ये बीजेपी प्रत्याशी का भी काम है। अरे बिल्कुल हम आधे में रहेंगे, ताकत लगा ले वो, कोई भी ताकत लगा ले, हमारा गाँव है, हम भी 50% वोट यहाँ से लेंगे। आधे का वो हिस्सेदार है, आधे के हम भी हिस्सेदार हैं, उसको किसी कीमत पर जाने नहीं देंगे। और हमारे यहाँ के रिठौस गांव की सरदारी ने हमें विश्वास दिलाया है कि 100 आपको बिल्कुल आधी वोट देंगे जी, आपका हक बनता है और वो हक हम पूरा करके लेके रहेंगे। प्रचार के लिए लगभग अब 11 दिन ही बचे हैं जी, जी अब टक्कर किस तरह की देख रहे हैं आप? भाई प्रचार में तो 11 दिन बचे, बहुत धुआंधार प्रचार चल रहा है और लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी और सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में बनेगी, ऐसा लोगों से मिल रहा है, लोगों से पूरा विश्वास और पूरा आशीर्वाद हमें मिल रहा है, हमारे साथ है, छत्तीस बिरादरी साथ है। जी जी तो हमारे यहाँ कई नेता आ रहे हैं, 25 तारीख को रविंद्र जीत जी आ रहे हैं, उसके बाद हमारे योगी जी आ रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वो भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, मनोज तिवारी जी आ रहे हैं और कई नेता की हमारे पास आ रही है, वो सभी लोगों को अब ला रहे हैं धड़ाधड़। 25 के बाद दमादम नेताओं की यहाँ एक जन एक से एक जनसभा होती रहेंगी।